अस्सलाम वालेकुम, हम लोग पहुंच चुके हैं कोहला ब्रिज पे। भाई साहब इधर आए ज़रा, हमारे मेरे साथ हैं जिब्रान भाई, मोहसिन भाई साहब और काजी फाज साहब। मोहसिन साहब शर्मा रहे हैं कि यार रोड पे खड़े होके इतनी बातें कर रहे हैं, और पीछे का व्यू देख सकते हैं आप, ठंडी हवा चल रही है, इतनी भी ज़्यादा ठंडी नहीं है। लकड़ी का पुराना सा पुल बना हुआ है और बिल्कुल पुल बिल्कुल हिल रहा है, वाइब्रेशन हो रही है इसके अंदर बहुत ज़्यादा, ऊपर नीचे हो रहा है और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अभी पुल टूट जाएगा और डर भी लग रहा है। और मैं साइड पे पुल के बिल्कुल दरमियान में आ चुका हूँ और बाकी जो साथी हैं जो लड़के हैं, भाई साहब बहुत ज़्यादा खौफ में थे कि यार पुल के गिर ना जाए, लेकिन थोड़ी सी हिम्मत करके आए ही हैं। और काज साहब से कहा था कि तस्वीरें कुछ बना लें, तो लेकिन काज साहब की लगता है वो नहीं है, तुमसे ना हो पाएगा काज साहब। जिब्रान भाई ने भी कोशिश की है, तो आप देखें क्या बनता है जी। अब मैं आपको दिखाता हूँ व्यू यहाँ का। देख सकते हैं मेरे बाएं साइड पे जो है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर है, ये कैपिटल सिटी है एजेके का। आप देख सकते हैं सारा व्यू, ये जो है ना ये जब सिलसिला आया था तो ये सारा कुछ तबाह हो गया था, तो उसके बाद ये ब्रिज बनाया गया था और ये तो कंफर्म बात है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने बनाया होगा। हम लोग पहुंच चुके हैं मुजफ्फराबाद बाज़ार में, अब कुछ बारबेक्यू के लिए कुछ गोश्त लेना था, तो मोहसिन साहब और जिब्रान भाई गए हैं अगर हम लेने गोश्त, ताकि हमारा प्रोग्राम है तो शाम को बारबेक्यू किया जाए। मौसम को अभी तो गर्म ही है, एसी गाड़ी का ऑन किया हुआ है और बाहर शदीद गर्मी है, लेकिन शायद केरन तक पहुँच के या केल तक पहुँच के कुछ मौसम चेंज हो जाए, क्योंकि सामने पहाड़ों पर बर्फ़ पड़ी हुई है, तो शायद कुछ मौसम बेहतर हो जाए। अभी शॉपिंग हो रही है। हम लोग पहुंच चुके हैं कैरन सेक्टर, पीछे जितना भी आप मेरा एरिया देख रहे हैं सारे का सारा इंडिया है, ये सारा इंडिया है, और ये जो पानी के इस साइड पे जिस साइड पे हम लोग खड़े हैं ये पाकिस्तान है, और पानी के उस साइड पे जो भी एरिया है वो सारा इंडिया है। आप उनका झंडा भी देख सकते हैं, मैं आपको ज़रा कैमरे का दूसरी साइड से दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं इंडिया का झंडा लगा हुआ है, उनकी गाड़ियाँ देख सकते हैं और
ये सारा एरिया जितना भी है और आप देख सकते हैं कितना डेवलप एरिया सारा, ये सारा एरिया जितना भी आप देख रहे हैं ये सारा इंडिया है। और ये जो रोड है ये पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान मतलब आप इसको LOC कह सकते हो। एक बहुत ही डेंजरस टूर को सरंजाम देते हुए हम इसको एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, एंजॉय करने की। अच्छा, आपको कैसा लगा आज का जो टूर हमने जो किया, जो मतलब कि मेमोरेबल इवेंट था हमारी ज़िंदगी का? सर, एक तो ये बहुत कंजस्टेड एरिया है सारा, ये जो रोड है सारी आपकी केल की जो रोड है वो बहुत ही कंजस्टेड है और रोड बहुत वाइड नहीं है, यानी एक गाड़ी एक वक्त में गुजर सकती है, दूसरी गाड़ी अगर कोई नया ड्राइवर है उसके लिए बहुत इशू है। हम लोग गए थे केरन की तरफ, लेकिन मसला ये हुआ है कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी तो वापस आना पड़ा। तो अभी हम लोगों ने आठ मुकाम के, भाई साहब ये आठ मुकाम ही है ना, अभी हम लोग आठ मुकाम पे अब कमरा लिया है, कमरा हमें मिला 5,000 का, जो कमरा बिल्कुल फारग किस्म का कमरा था, दो मैट्रेस मिले लिए हमने साथ और एक बस डबल बेड नहीं कह सकते उसको आप, एक नॉर्मल सा बेड है। और आवाज़ शायद आपको आ रही हो साथ, जो शोर की आवाज़ आ रही है ये पानी की है, इधर से साथ से जो दरिया नीलम गुजर रहा है। और व्यू बस ठीक ही है, जितना हम सोच के आए थे कि ठंड होगी और जितना हवा क्रिएट किया गया था कि यार तो बहुत ठंड है, कुछ लोगों ने यहाँ पर जैकेटें ही पहनी हुई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपके सामने टी शर्ट में बैठा हुआ हूँ, बारबेक्यू हो रहा है, बस अब यही इंजॉयमेंट है। और आपको आज की जो स्पेशल, आज का दिन तो ख़त्म हो गया, आज का दिन हमने बस सफ़र में गुजारा सारा, सुबह 5 बजे निकले थे और आप जो है ना तकरीबन आपको पता ही है कि टाइम हो चुका है। तो आज के दिन का स्पेशल ये था कि भाई साहब हमें गाना सुनाएंगे जिसकी सारे दिन उन्होंने रियाजत की है, तो मैं अपनी सीट छोड़ता हूँ और भाई साहब को कहता हूँ कि भाई इस जगह पे आएँ, क्योंकि लाइट इधर है, क्योंकि मेरे पास तो फ्लैश लाइट नहीं थी तो मैंने इस लाइट का सहारा लिया है। भाई साहब बना रहे हैं बारबेक्यू, तो हम भाई साहब को बुलाएंगे कि हमें गाना सुना दें वो। भाई साहब आओ सीट पे। बहुत शुक्रिया उस्मान भाई, आपने मुझे गाने के लिए बोला, लेकिन आपको पता है कि मेरी आवाज़ इतनी खूबसूरत नहीं है आपकी निस्बत से, और ना ही मेरी इस वक्त गला मेरा साथ दे रहा है। बारबेक्यू बहुत स्पाइसी बना दिया आपने, जो बिल्कुल खाने के काबिल नहीं रहा मेरा ख्याल है, ऑल दो लेकिन फिर भी माशाल्लाह बहुत अच्छा बनाया है फहद भाई की। थैंक यू। थैंक
थैंक यू वेरी मच उस्मान भाई, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं गाना गाऊँ, लेकिन मेरी ना तो आवाज़ साथ दे रही है इस वक्त और ना मेरी आवाज़ इतनी अच्छी है कि मैं गाना गा सकूँ। और ऊपर से आपने बारबेक्यू इतना स्पाइसी बना दिया कि आवाज़ तो बिल्कुल ही काबिल रहेगी नहीं। अब ये बहुत स्पाइसी बनाया लेकिन बहुत अच्छा बनाया माशाल्लाह। और मेरा ख्याल है आप गाना गवाएं इस वक्त सल्लू भाई से, वो अच्छा गाना गा लेंगे। बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का।
अच्छा अभी हम जा रहे हैं वापस मुजफ्फराबाद की तरफ, क्योंकि कैरन से निकले थे केल के लिए, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी, हद से ज़्यादा, और हमें कई ऑलमोस्ट 5 से 6 घंटे लग जाने थे ट्रैफिक में। तो हमने ये डिसाइड किया सब ने मिल के वापस चलते हैं और मुजफ्फराबाद जाके कुछ डिसाइड करते हैं क्या करते हैं। सो अभी हम लोग जा रहे हैं वापस।